और समाज कुछ भी कहे, लेकिन आज भी हम सब शादियों में शामिल होते हैं, एक दूसरे के प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में शामिल होते हैं। ये हमारा इंट्रिंसिक फैब्रिक है, डीएनए है। इस डीएनए को कोई खत्म नहीं कर सकता, ना खत्म होगा, ना हमें परेशान होने की जरूरत है। ये तो एक हमारा पार्ट है। अच्छा, तो ये रमजान में जो हम लोग रोजे रखते हैं उसमें एक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पाइटी, जिसमें हमें पता होता है कि तकलीफ क्या है, गरीबी में क्या परेशानी है, भूख में क्या तकलीफें होती हैं, और गरीब के बारे में सोचने का मौका मिलता है। साइंटिफिकली भी अगर साल में एक बार हम 15 घंटे बगैर खाए रहते हैं तो उससे भी हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी नॉर्मलाइज होती है, ये साइंस में पाया गया। और इसको ईद उल फितर भी बोलते हैं, क्योंकि ईद के वक्त पे, उससे पहले, ईद की नमाज पढ़ने से पहले हम जब जाते हैं ईद के लिए, तो हम फितरा देते हैं, जो एक पैसा होता है जो गरीब को, जिसके पास कुछ साधन नहीं है तो वो खाना खा सके, कपड़ा पहन सके। तो ये ईद का मकसद है। इसमें त्यौहार में भी नमाज होती है, नमाज पढ़ के खाना खाते हैं, और कोई खास ऐसा कल्चरल प्रोग्राम हमारे यहाँ नहीं होता जिसको हम कहें कि ये ऐसे सेलिब्रेट की जाती है। आपस में गले मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो आज ये ईद का तीसरा दिन था, तो मैंने कहा दोनों मौके अच्छे हैं। एक तो हमारे यहाँ इलेक्शन का फेज शुरू हो रहा है, मुझे मोदी जी से पर्सनली बहुत लगाव है, और वो लगाव भी हल्के हल्के पैदा हुआ है, एकदम से पैदा नहीं हुआ था। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो मैंने अहमदाबाद में अपना क्लिनिक खोला था, तब उनसे स्वभाव हुआ।